फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इस तरह से है। आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू आई। इसे हम लिख सकेंगे आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स। एक्स टू द पावर 4 को हमने लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स, ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके इस 2 को पावर में पहुंचा दे तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इस एक्स को स्क्वायर रूट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाई लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन लॉग एन। प्रॉपर्टी भी मैं कोट कर देता हूं, यहां हमने प्रॉपर्टी यूज की है एम log a इज इक्वल टू log a टू द पावर m। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की है log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b इज इक्वल टू 1 बाय x क्यूब। इसे सेपरेट कर दें, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज 1, 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, यहाँ भी सेपरेट कर दें एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी शैल सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ऑन पुटिंग t is equal to 1 plus 1 by x square. This implies dt is equal to differentiation of 1, 0. Differentiation of 1 by x square is minus 2 by x cube dx, which implies dt upon minus 2 is equal to dx upon x cube. मीन्स ये डी एक्स और ये एक्स क्यूब, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस डी टी अपॉन माइनस 2। तो इंटीग्रल उस केस में होगा आई इज इक्वल टू dx upon x cube will be replaced by dt upon minus 2, dt upon minus 2. This root 1 plus 1 by x square will become root of t into log of t is equal to minus 1 by 2 root t log t dt. Of course, dt is there. अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के लिए आपने आइलेट सुना होगा, इनवर्स लॉग अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो इस प्रायोरिटी में रूट टी अलजेब्राइक होगा और लॉग टी लॉगरिथम। सो लॉग शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट फंक्शन एंड दिस शुड बी कंसीडर्ड सेकंड फंक्शन एंड यू नो द फॉर्मूला एंड फार्मूला इज लाइक दिस। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन इंटू एफ टू इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस इन दिस वे. लॉग टी फर्स्ट, लॉग टी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल ऑफ रूट टी, रूट टी मीन्स टी टू द पावर 1/2 डी टी माइनस डी डी टी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ लॉग टी, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी एंड डी टी. इज इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग टी, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1/2 इज टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस. यूजिंग पावर रूल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टी इज 1/t विद रिस्पेक्ट टू टी. इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1/2 इज टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 डी टी प्लस सी. नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग वी फाइंड I इज इक्वल टू माइनस 1/2 ब्रैकेट, हियर ब्रैकेट कैन बी क्लोज्ड, लॉग टी, टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रल. हियर डिनोमिनेटर इज हैविंग टी टू द पावर 1, न्यूमरेटर इज हैविंग टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 माइनस टी 1 फॉर दिस टी टू द पावर 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डी टी प्लस सी. माइनस 1/2 1 अपॉन 3/2 कॉमन, फर्स्ट पार्ट इज लॉग टी, टी टू द पावर 3/2, सेकेंड 1 कैंसिल, अगेन वी शैल हैव टू इंटीग्रेट दिस टी टू द पावर 1/2 विच इज टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. टू टू कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 3 लॉग टी इन टू टी टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज 3/2 विच वी कैन राइट एज 2/3, 3/2 इन डिनोमिनेटर एंड इफ इट कम्स इन न्यूमरेटर इट बिकम्स 2/3 एंड टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज टी टू द पावर 3/2 प्लस सी. नाउ टी टू द पावर 3/2 कैन बी टेकन कॉमन, टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3 ब्रैकेट विल हैव लॉग टी माइनस 2/3 प्लस अ कॉन्स्टेंट सी. फाइनली टू फाइंड इट्स अल्टीमेट सॉल्यूशन वी शैल हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी. तो अब जब टी का वैल्यू हम रख देंगे तो अब हमें इसका आंसर फाइनल मिलेगा. तो आप याद करिए कि टी की वैल्यू क्या थी. तो टी की वैल्यू थी 1 प्लस 1/x2, तो ये होगा माइनस 1 प्लस 1/x2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3 ब्रैकेट log of 1 प्लस 1/x2 माइनस 2/3 प्लस अ कॉन्स्टेंट सी. फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल. बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप इसे सॉल्व करें, एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखें. अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डू इन्फॉर्म मी.
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।